हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन पटाखा अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा 400 बुलेट मोटरसाइकिल के मॉडिफाइड साइलेंसरों को पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के कुशल नेतृत्व में रोड रोलर के माध्यम से नष्ट कराया गया। हापुड़ से दीपक कश्यप की खास रिपोर्ट। क्या मामला है? देखिए, जनपद हापुड़ में ऐसी कई हमें लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी कि लोग अपनी ये मॉडिफाइड बुलेट्स लेकर के पटाखे छोड़ते हैं और उससे ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं, साथ ही साथ कुछ अपने गली मोहल्लों में जा करके दूसरे मोहल्लों के सामने चढ़ाने की प्रवृत्ति से ये लोग ये काम करते थे। इसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है और लगभग मैं बता दूँ अब तक 750 बुलेट मोटरसाइकिल ऐसी हैं जिनके हमने ये साइलेंसर्स उतरवाए हैं। आज आपके सामने लगभग 400 मोटरसाइकिल्स के ये साइलेंसर्स यहाँ पे नष्ट किए जा रहे हैं जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। मैं बताना चाहूँगा सेक्शन 52 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक ये दंडनीय अपराध है और हाईकोर्ट ने भी इसमें टिप्पणी करी है और ये निर्देश दिया है कि जो भी बुलेट्स या मोटरसाइकिल कंपनी से परचेज आप कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यदि मैं परमिसिबल लिमिट की बात करूं तो 80 डेसिबल एक लिमिट तय की गई है जिसमें आवाज़ आती है साइलेंसर के बाहर, पर हमने जब इन मोटरसाइकिल से जिनसे साइलेंसर उतारे हैं उनको जब नापा तो उसकी लिमिट लगभग 120 से 150 डेसिबल के आसपास आती थी जो कि परमिसिबल नहीं है। जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा लगातार हमारे ट्रैफिक विभाग द्वारा इस तरीके की कार्रवाई लगातार की जा रही है और हम आगे भी इस तरीके की कार्रवाई करते रहेंगे और ये जनता से ये अपेक्षा भी करते हैं कि आप इस तरीके का मॉडिफाइड साइलेंसर्स और बुलेट्स पे जो इस तरीके के आप साइलेंसर लगा के चलते हैं उसको ना लगाएं और यातायात नियमों का पालन करें।